राजस्थान के झुंझुनू में बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियान खदान में लिफ्ट टूट गई। इस हादसे में लिफ्ट के अंदर 14 लोग फंस गए थे। यहां सभी लोग 1800 फीट गहरी खदान में फंसे हुए थे। इस घटना की सूचना पुलिस और राहत बचाव टीम को दी गई। 13 अधिकारियों को लिफ्ट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जहां 13 अधिकारियों के सुरक्षित बाहर आने की खुशी है, वहीं एक अधिकारी की मौत की खबर है। इस हादसे में मुख्य सतर्कता अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें 11 घंटों से अधिक देर तक बचाव कार्य किया गया। मौके पर एम्बुलेंस, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती की गई थी। लिफ्ट के एग्जिट वाले गेट के पास करीब आधा दर्जन एम्बुलेंस खड़े किए गए थे। डॉक्टरों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया था। रेस्क्यू के लिए SDRF की टीमें भी मौके पर मौजूद थी। फंसे हुए लोगों तक खाना और दवाइयां भी भेजा जा रहा, लेकिन फिर भी उपेंद्र पांडे की जान नहीं बच पाई। दरअसल यह हादसा तब हुआ जब विजिलेंस टीम कंपनी के कुछ वरिष्ठ अधिकारी के साथ कंपनी के निरीक्षण कर रही थी। ये सभी लोग शाफ्ट के नीचे गए। इसके बाद लिफ्ट से वापस आते वक्त लिफ्ट की एक रस्सी टूट गई और अफरा तफरी मच गई। मौके पर खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा गए थे, लेकिन सूचना मिलते ही तुरंत क्षेत्र में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वहीं राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने भी इस मामले को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा था। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलियन खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे की सूचना प्राप्त हुई। संबंधित अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य तेजी से संचालित करने तथा प्रभावितों को हर संभव मदद व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मैं प्रभु से इस हादसे में घायल सभी नागरिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ का, खदान में फंसे लोगों के सकुशल बाहर आने की कामना करता हूँ। नमस्कार।